मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि बिजनेस का रिटेलर आईडी आपको कैसे मिल जाएगा फ्री में, उसके साथ ये लेना क्यों चाहिए, क्या फायदा है। मेरे भाई मैंने बिजनेस का रिटेलर आईडी छोड़ के और भी बहुत सारे रिटेलर आईडी यूज किया एपीएस के लिए, जैसे कि एक्सप्रेस मनी, पे नियर बाई, नोवो पे, इस तरीके का बहुत सारे एपीएस को मैंने यूज किया 3-4 साल में। लेकिन 2-3 महीने से मैं बिजनेस का रिटेलर आईडी को यूज करता हूँ, मुझे इतना मजा कहीं पे भी नहीं मिला और इतना सुविधा कहीं पे भी नहीं मिला। इसीलिए ये मैं सेटिस्फाइड होने के बाद में आप लोगों को यह वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये लेना चाहिए। बिजनेस का रिटेलर आईडी में सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर है यहाँ पे ऑटो फिल करने का, यानी कि अगर आप किसी का भी बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट करते हैं आधार नंबर, बैंक डिटेल्स डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, तो आपको दोबारा जब विदड्रो करेंगे वहाँ पे आपको दोबारा आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओनली अमाउंट डाल के ही आप पैसे विदड्रो कर सकते हैं। एंड दूसरा बेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, कोई भी बंदा आता है और बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी ना करके अगर आप स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको इंस्टेंट 1 रुपया कमीशन मिल जाता है। अगर आप 10 व्यक्ति का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको इंस्टेंट 1 रुपया करके 10 रुपया कमीशन मिल जाता है। बिजनेस का रिटेलर आईडी आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बिजनेस का एपीएस आईडी में आप कोई सा भी डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जैसे की मंत्रा, मॉर्फो, स्टार टेक, PB510, ETC, कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हैं। बिजनेस का रिटेलर आईडी में कमीशन आपको मिल जाएगा, आपको रिचार्ज कमीशन आप यहां पे देख सकते हैं, BSNL 4.5 रुपया और एयरटेल 1.75, आइडिया 3 रुपया, वोडाफोन 3 रुपया, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और इसका लिस्ट हम आपको यहां पे साइड में दिखा रहे हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। फिर APS में हम आपको लेकर चलते हैं, यहां पे APS में आप देख सकते हैं 0.23 रुपया आपको कमीशन मिल जाएगा। तो कमीशन बन जाता है यहां पे आपको 200 से 999 तक करते हैं तो 2 रुपया, 1000 से 1499 करते हैं तो 2.5 रुपया, एंड 1500 से 1999 करते हैं तो 4 रुपया, 2000 से 2499 विदड्रो करते हैं तो 5 रुपया, 2500 से 2999 करते हैं तो 6 रुपया, और 3000 से 4000 करते हैं तो 7.5 रुपया, 8000 प्लस आप करते हैं तो आपको 10 रुपया कमीशन मिलता है, और 5000 से 8000 तक करते हैं तो आपको मिल जाता है 9 रुपया कमीशन। आधार पे में आपको 0.29 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। कैश डिपोजिट ओनली टू ओनली आप ICICI कर सकते हैं, उसका भी 0.19 रुपया आपको कमीशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप मूव टू बैंक यानी सेटलमेंट करते हैं अपने पैसे को तो आपको 24,999 के नीचे में 5 रुपया चार्ज पड़ेगा। अगर आप 25,000 से ज्यादा करते हैं 1-1.5 लाख तक का तो आपको 10 रुपया चार्ज देना पड़ेगा और इंस्टेंट आपका मोटो बैंक हो जाता है। मेरे भाई बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर मैं खुद हूँ, अगर आप रिटेलर आईडी लेते हैं कोई भी परेशानी होता है आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका परेशानी हम सॉल्व कर देंगे। बिजनेस का रिटेलर आईडी आपको फ्री में मिल जाएगा। बिजनेस का रिटेलर आईडी ओनली टू ओनली मैं 10 व्यक्ति को फ्री दूंगा, उसके बाद उसका जो ऑफिशियल चार्ज है 100 रुपया वो चार्ज लेना पड़ेगा। ये 10 लोगों को मैं इसीलिए दूंगा ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके कि बिजनेस का रिटेलर आईडी या बिजनेस का एपीएस कैसा सर्विसेज देता है। तो मेरे भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, अपना डॉक्यूमेंट शेयर करिए, हम आपका वहाँ पे आईडी क्रिएट कर देंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका आईडी क्रिएट होकर आपके पास आ जाएगा। तो मेरे भाई आज की जानकारी इतना ही था, जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई।